हेलो फ्रेंड्स, निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस वीडियो में स्वागत है। तो निफ्टी को अगर आप देखेंगे ना, निफ्टी के चार्ट में ये देखिए, निफ्टी डेली के चार्ट में इसने ये डेली का हमने कल जो एनालिसिस किया था तो उसमें ये बताया था कि ये वाला जो सपोर्ट है ना, ये सपोर्ट इसने होल्ड किया और यहाँ पे हैमर कैंडल बनाया था। हैमर जो होता है ना, पॉजिटिव कैंडल होती है और ये इसका रेजिस्टेंस है। तो ये कल को या परसों को यहाँ तक टच कर सकता है एक दो दिन में। तो अप्रॉक्सीमेटली आप लगा सकते हैं कि थोड़ा सा अभी ऊपर के लिए ना जो रूम अभी जगह बची हुई है, तो अभी कैंडल भी पॉजिटिव है, उसका फॉलो ऑन भी मिल गया है और निफ्टी भी ऊपर हाई पे जाके सस्टेन कर रहा है। तो ये भी बुलिश मोमेंटम के लिए ना सिग्निफाई करता है। और आपको 15 मिनट के चार्ट पे दिखाता हूँ, 15 मिनट के चार्ट पे आप कल कैसे ट्रेड कर सकते हैं। 15 मिनट के चार्ट पे ना ये देखिए, ये मिडल में ना एक सप्लाई लाइन है ये वाली, तो इस सप्लाई लाइन के ऊपर अगर ये खुलता है तो 15 मिनट की कैंडल को देखना, क्योंकि इसने यहाँ से पहले ट्रैप किया और यहाँ से ऊपर देखो शूट हो जाएगा। यहाँ पे ये पहली बार इसने ट्रैप किया था, तो ये वाला जोन है इसके लिए नीचे। इसके नीचे जब तक नहीं आएगा मैं शॉर्ट नहीं करूँगा, और ऊपर जब तक 15 मिनट की कैंडल क्लोज ना कर दे या गैप अप खुल के ऊपर क्लोज ना कर दे तो मैं बाय नहीं करूँगा, अनटिल और अनलेस, ठीक है। और उसके बाद आप अगर देखेंगे ना, तो उसके बाद ये, क्योंकि यहाँ पे ना एक दो बार आ चुका है, तो ये फ्लैट रेंज होगी। कि कैच ये है कि कल को मार्केट खुलता कहाँ पे है, बहुत बड़ा गैप अप और बहुत बड़ा गैप डाउन, तो उसमें तो प्राइस एक्शन आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर आपको प्राइस एक्शन थोड़ा बहुत आता है, ये एक ट्रेंड लाइन चली आ रही है, अगर इसको फ्लैट खुल के 15 मिनट की कैंडल ऊपर क्लोज करता है तो ये पहला टारगेट आपका रहना चाहिए, आसानी से मिल जाएगा। तो क्या है कि बाय ये थोड़ा थोड़ा स्लो हो जाता है, गिरता तेज है, बट बाय बहुत धीरे धीरे जाएगा, तो आपको निकालते हुए जाएगा। जो भी न्यू ट्रेडर्स है ना, उनको निकालते हुए पोजीशन को, फिर ये भागेगा। और ये जोन है ना ये वाला, जब तक इस जोन के नीचे एक कैंडल क्लोज नहीं करती या नीचे नहीं आती, अगर ये पहली 15 मिनट की कैंडल इसके नीचे देता है ना, तो आप ना स्कैल्प कर सकते हैं पहली 15 मिनट की कैंडल को। अगर इसके नीचे निकलती है ना, तो आप जल्दी लास्ट के जो स्विंग है ना वहाँ पे टारगेट लेकर निकल सकते हैं। स्कैल्प रहेगा बहुत फास्ट मूव के लिए। अगर आपको कल प्री मार्केट में दिखे ना कि निफ्टी फ्लैट ओपन हो रहा है, तो ये इसके नीचे आप शॉर्ट कर सकते हो और नीचे वाला ये वाला जोन आपका टारगेट रहेगा स्कैल्प के लिए, पहली 15 मिनट की कैंडल के लिए, पहला 15 मिनट या आधा घंटा के लिए। बट अगर गिरे तो मतलब ब्लाइंडली, मतलब अगर वो ऊपर जाने के लिए ट्राई कर रहा है और आप शॉर्ट कर रहे हो तो वो ऐसे ही नहीं चलेगा। और आपको इसके बाद मैं दिखाता हूँ, ये देखिए ये जोन है ना, ये सारा सब जोन एक बार रीटेस्ट करेगा, जहाँ से निकलेगा ना तो बहुत शार्प मोमेंटम आएगा, ये यहाँ तक इसको लेके जाएगा डेली के चार्ट में। तो डेली के चार्ट में ये चार पांच कैंडल अपना रेजिस्टेंस के पास निकाल चुका है, टाइम पास कर चुका है, ब्रेथ अपनी इकट्ठी कर चुका है, तो ऊपर 12600 से लेके 700 का टारगेट ओपन है। और यहाँ से निकलते सार ना ये बहुत तेज मोमेंटम आएगा, लेट मार्क माई वर्ड्स। तो इसके बाद अगर आप देखेंगे ना, इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, इसके बाद अब बैंक निफ्टी के चार्ट को देखते हैं। बैंक निफ्टी के चार्ट को आप देखेंगे ना, लेट मी इसे ओपन होने, तो बैंक निफ्टी के चार्ट को आप अगर देखेंगे तो बैंक निफ्टी के चार्ट को इसमें देखिए, ये डेली के पास ना, ये ना हाई के पास सस्टेन कर रहा है। अगर इसको गिरना होता ना यहाँ से, देखो ये बहुत शार्प गिरा है पहले भी, तो ये जितना टाइम पास कर रहा है ना, टाइम पास करने का मतलब है इसको ऊपर ही जाना है और ये निफ्टी की वेट कर रहा है। जैसे ही निफ्टी ऊपर ब्रेक करेगा ना, तो ये ऑल टाइम हाई को निकालते हुए बहुत अच्छी मोमेंटम देगा, क्योंकि जब गिरना होता है ना तो बहुत तेज़ गिरता है। अगर ऊपर जाके ये सस्टेन कर रहा है ना, तो ये अपने लिए सांस इकट्ठी कर रहा है और ये वेट कर रहा है यूएस मार्केट। जैसे ही यूएस मार्केट में इंटरेस्ट रेट कम होना शुरू हो गए या फ्लैट हो गए या यूएस से कोई भी अच्छी खबर आनी शुरू हो गई, तो ये वन वे भागेगा। ये देखिए ये रेजिस्टेंस चला आ रहा है, ये रेजिस्टेंस को इसने बहुत बार रिटेस्ट किया है, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पाँच बार, लिटरली या छः बार इसने चेक किया है। देखो एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, छः बार, और छः बार रेजिस्टेंस को रीटेस्ट करने के बाद ये नीचे से एक ट्रेंड लाइन चली आ रही है। नीचे से ये देखिए, नीचे से एक ट्रेंड लाइन ये चली आ रही है ये वाली। तो कल ये ट्रेंड लाइन को देखो, ऊपर निकालता है और नीचे निकालता है। अगर ऊपर निकालता है ना तो भी आप बाय कर सकते हो, क्योंकि रेजिस्टेंस बहुत तीन चार पाँच बार चेक हो चुका है। और ये अगर नीचे टूटता है तो ये स्विंग अगर ये तोड़ता है ना, तो जाके इसे शॉर्ट करना। और नीचे भी टारगेट बहुत अच्छा दिख रहा है। तो ये खुलता कहाँ पे है ये मैटर करेगा, बहुत बड़ा गैप अप, बहुत बड़ा गैप डाउन, प्राइस एक्शन आपको देखना पड़ेगा, पहली 15 मिनट की कैंडल रुक जाना अगर बहुत बड़ा गैप अप या बहुत बड़ा गैप डाउन होगा तो।
और ये जैसे ही फ्लैट अगर खुलता है ना, आइडियल कंडीशन है, फ्लैट खोल के ये निकालता है, ये ट्रेंड लाइन आज इसने ब्रेक करने की कोशिश की है, लास्ट में कर नहीं पाया है। तो अगर ये इसके नीचे निकलता है तो ये टारगेट रहेगा, ऊपर निकलता है तो ये टारगेट रहेगा। और कल भी मतलब कल बहुत बड़ी रेंज मेरे को दिख नहीं रही है, साइडवेज की मेरे को एक्सपेक्टेशन ज़्यादा लग रही है, क्योंकि ऊपर रिजिस्टेंस चला आ रहा है, नीचे सपोर्ट चला आ रहा है। बाकी यू नेवर नो कि मार्केट क्या करता है, मार्केट इज़ सुप्रीम। और ये देखिए फिन निफ्टी के चार्ट को देखिए ना, फिन निफ्टी ये वाला लेवल को होल्ड कर रहा है, ये वाला लेवल को, ये इसका एक जोन है सपोर्ट, नीचे वाला सपोर्ट है, ऊपर वाला सप्लाई है, और इसने एक दो बार तीन बार हिट कर चुका है, तो तीन बार हिट कर चुका है तो ये भी वीक हो गया ऊपर का रेजिस्टेंस, और नीचे से बाइंग भी दिख रही है, विक्स बना रहा है। तो ये कल को खुलता है ना, जहाँ पे खुलता है, फ्लैट खुलता है तो आइडियल कंडीशन है। ये देखिए एक ट्रेंड लाइन चली आ रही है, अगर ये नीचे को तोड़ता है ना, एक दो बार तीन बार रिटेस्ट कर चुका है, ये ऊपर से ट्रेंड लाइन चली आ रही है, अगर ये ऊपर को तोड़ता है तो आप ऊपर के लिए बाय कर सकते हैं, नीचे को तोड़ता है तो नीचे के लिए आप सेल कर सकते हैं। पहली 15 मिनट की कैंडल को देखिए, उसके बाद अगर ये लो को ब्रेक करता है तो आप शॉर्ट कर सकते हैं, ये आपका पहला दूसरा टारगेट रहेगा। अगर ऊपर ये निकालता है ना, ऊपर इस के ऊपर 15 मिनट की कैंडल सस्टेन करने देना, या अगर यहाँ पे आधा घंटा घंटा डेढ़ घंटा रुक के अगर ये ब्रेक करता है ना 11-12 बजे के आसपास, तो सीधा आप बाई कर सकते हो, ये आपके टारगेट्स रहने वाले हैं। तो फिन निफ्टी में लग रहा है कि कोई मोमेंटम आ सकती है, क्योंकि पैटर्न वैसे ही बना हुआ है, ऊपर से नीचे से दोनों से ट्रेंड लाइन चली आ रही है, कहीं ना कहीं तो फटेगा ये। अगर ये इस जोन के ऊपर 15 मिनट की कैंडल सस्टेन करता है या यहाँ पर खुलता है, तो ये एक ब्रेकआउट जैसा ट्रीट होगा, और 15 मिनट की कैंडल के बाद आप रिट्रेसमेंट पे ये ले सकते हैं। और ये यहाँ पे अगर खुलता है तो प्रॉफिट बुकिंग आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं, तो यहाँ से आप नीचे की लाइन को शॉर्ट भी कर सकते हैं, और इसके नीचे जब तक नहीं आता मैं शॉर्ट नहीं करूँगा। और आपको कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, आपको वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और उसके बाद अगर आप देखेंगे ना, ये 200 मूविंग एवरेज को होल्ड भी कर रहा है। उसके बाद आपको एक स्टॉक बताता हूँ, अशोक लेलैंड का, कल इंट्राडे के लिए स्टॉक बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को ना, सेटअप मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो सेटअप बहुत ही फनी सेटअप है, आपको दिखाता हूँ। ये देखिए लॉजिक तो बच्चे वाला ही है, बट ये देखिए ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड, बट मार्केट जो कर रहा है तो कल चांसेस है कि एक ग्रीन कैंडल आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और ग्रीन के चांसेस क्यों बढ़ जाते हैं, आपको 15 मिनट के चार्ट पे दिखाता हूँ। 15 मिनट के चार्ट पे देखिए, इसने ना ये लास्ट स्विंग को ब्रेक करके ना ऊपर क्लोजिंग की है, तो अगर ये कल को पहली 15 मिनट की कैंडल को सस्टेन करने के बाद या इसे रीटेस्ट करता है ना, फ्लैट खुल के अगर थोड़ा सा नीचे भी आता है तो आप इसको बाय कर सकते हैं 153, 153.80, 70, 50 के आसपास कर सकते हैं। और आपका जो टारगेट रहने वाला है 154 से लेके 155 के बीच में टारगेट आपका रहने वाला है, ये इंट्राडे के लिए है। ये फ्यूचर्स में भी है, फ्यूचर्स में भी और इसके ऑप्शन में भी आप ट्रेड कर सकते हैं, तो ये अच्छा सेटअप दिख रहा है। तो अगर 15 मिनट की कैंडल आपको अगर ओपन हाई नहीं दिखता है ना, तो आप इसको अगर नीचे आए ना तो बाय कर सकते हो। तो आपको 154 और से लेकर 155 टारगेट रहना चाहिए। आई होप यू लाइक द वीडियो, और कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।